हेलो नमस्ते, आप सभी कैसे? आफ्टर वेरी लॉन्ग डेज मैंने ये वीडियो आज रिलीज़ करने का सोचा है क्योंकि टाइम नहीं था। और ये मेरे मेहंदी का वीडियो है, तो मेहंदी वाला वीडियो बहुत ही अच्छा था। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, उसके बाद लास्ट में ऐसा हो गया ना कि कुछ सैडनेस वाला पार्ट आया, तो वो आपको समझ में आ जाएगा देखते देखते। और मुझे भूख लगी मेहंदी लगाते लगाते, तो मेरी बहन प्रिया वो मुझे यहाँ पर खिला रही है अपने हाथों से। और ऐसा है कि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, तो मेरी सिस्टर मुझे खिला रही थी। कितना प्यारा सा लग रहा था मुझे, और बहुत ही इमोशनल मोमेंट सारा चल रहा था। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती, आई हैव नो वर्ड टू से अबाउट एनीथिंग, लेकिन जो भी है बहुत ही अच्छा चल रहा था। एंड थोड़ी सी नर्वसनेस थी शादी को लेकर के, और हम लोग ना रूम के अंदर ही मेहंदी लगा रहे थे। रीज़न यही था कि जो डेकोरेशन वाला था उसको हम, मेरी मेहंदी वाले दिन से एक दिन पहले सब कुछ तैयार करना था डेकोरेशन वगैरह, बट वो कर नहीं पाया टाइमली। तो जो अब मेहंदी का तो टाइम जा रहा था, तो क्या करें, तो रूम के अंदर ही करना पड़ा। तो सभी देख सकते इस वक्त सारे के सारे लोग मेहंदी लगा रहे इस वक्त, और यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे, बहुत सारी बातें कर रहे। और यहाँ पर मेरी पूजा हो रही है, पंडित जी आ चुके हैं, और इस तरह की बहुत सारी जो हम लोग की रिचुअल्स है वही रिचुअल्स चल रही है। और ऐसा हुआ ना कि मेहंदी हल्दी दोनों में एक ही कपड़ा पहनना रह गया, क्योंकि थोड़ा सा सैडनेस पार्ट आ गया था। इस वजह से क्या हो गया, मूड बहुत स्पॉइल हो गया था मेरा, क्या सभी को एक घर में, तो इस वजह से क्या हो गया ना, मेहंदी और हल्दी दोनों का ही जो पार्ट है वो एक ही साड़ी में ही हो गया। और बहुत कुछ प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम भी अच्छे से कम्प्लीट हुआ नहीं, बस जो रिचुअल्स थी वही सब फॉलो कर रहे थे। बाद बाकी तो जितने भी प्रोग्राम्स थे, जितने भी डांस के जितने भी प्रोग्राम रखे थे, सारे कुछ कैंसिल हो गए, और सब इसी सब में ही लग गए, क्योंकि मूड कुछ ज़्यादा ही सबका स्पॉइल होकर रखा था। और जो मेरे पूजा चल रहा है ये भी काफ़ी लंबा गया, एंड पूजा हो जाने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद और एक रिचुअल्स होता है जो मेरे घर में ही सब करते हैं, तो पंडित जी चले जाते हैं, पंडित जी से नहीं होता, वो घर वाले ही करते हैं, तो वही एक लंबा फिर एक पूजा जाता है। तो पूजा पूजा में ही सारा कुछ निकल गया हमारा। एंड लास्ट में पूजा खत्म होने के बाद यहाँ पर मैं सभी कोई को हल्दी वाला चावल डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, क्योंकि पहले ज़माने में ऐसे ही होता था कि कार्ड तो होती नहीं थी, तो इस तरीके से लोग को इनवाइट किया जाता था। तो मैं सभी को इनवाइट कर रही हूँ कि मेरी शादी में सब अवश्य अवश्य आए, एंड इस तरीके से सबको मैं डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर हमारी पूजा समापन होती है, और उसके बाद हमें नेक्स्ट रिचुअल में चले जाते हैं। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं, आप विश्वास कर सकते हैं, और इस वक्त मेरा हल्दी का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले मेरे पापा आए हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं, हल्दी लगा करके ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन सभी कोई आएंगे, मुझे हल्दी लगाएंगे, ब्लेसिंग्स देंगे अपना। हल्दी लगाओ, तेल चढ़ाओ रे, मीठा